थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी टू द एंटायर टीम. जब उन्होंने कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन किया था, आई वाज लाइक वाओ, वी हैवंट हैड समथिंग दैट इज डन फॉर न्यू कमर्स. क्योंकि देखिए, जब एक्टर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो वो कैसे दिखाएं कि हम एक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. आजकल तो बहुत ऑडिशंस लिए जाते हैं, लेकिन पहले ऑडिशंस लिए भी नहीं जा सकते थे. तो जब तक आपको चांस नहीं मिलता, आप प्रूव कैसे करेंगे स्क्रीन पे कि आप लोकप्रिय हो कि नहीं, कि आप हिट बनोगे कि नहीं, कि आगे आपका करियर होगा कि नहीं. तो और जब आप आते हो, शायद आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि आप किससे मिले, फोटोग्राफ्स किसको दें, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इतने बिजी होते हैं. वो चाहते भी हैं, अगर वो चाहें भी, वो हर न्यू कमर से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं. सो दिस मैगजीन, और ये जो इन्होंने कहा था, ये मैगजीन ये फ्री में बेचने वाले हैं, फ्री में एक्चुअली भेजने वाले हैं, सॉरी नॉट बेचने, फ्री में भेजने वाले हैं पूरी इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, कास्टिंग एजेंट्स को, ताकि लोग इत्मीनान से देख सकते, ओके दिस इज अ पर्सन, दैट इज अ पर्सन, दैट इज अ पर्सन. एंड आई विश समवन हैड डन दिस अर्लियर, बिकॉज इट इज अ नॉवल कॉन्सेप्ट. और चार महीने के लिए ये फ्री के लिए बटेगा फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि फ्री में बटना चाहिए फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. और उसके बाद दिस मैगजीन विल बी ऑन सेल ऑन स्टैंड्स फॉर द जनरल पब्लिक. सो आई थिंक इट इज वेरी अमेजिंग. आई विश समथिंग लाइक दिस, अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस वाज अवेलेबल व्हेन आई वाज बीइंग लॉन्च्ड एंड व्हेन आई नीडेड पीपल टू सी मी एंड ऑल ऑफ दैट. सो एटलीस्ट नाउ न्यू कमर्स विल हैव a good exposure to people from the industry. That's what's important. That's so true, that's so true. And we are really glad that you are here. And now I would love to call Mr. Ajay Kumar, honorary